नमस्ते, आप सबका स्वागत है बिस्टार्ट एपिसोड 27 में, जो कवर करता है डेली स्टार्टअप और कंपनीज न्यूज़। पहली न्यूज़, ओयो होटल्स एंड होम ईयर 2022 या 2023 तक अपना आईपीओ यूएसए में लेकर आएंगे, लेकिन इन्वेस्टर जैसे सॉफ्ट बैंक ओयो को कह रहा है कि उससे पहले ऑपरेशनल में प्रॉफिटेबल होना है। सॉफ्ट बैंक ये कदम वीवर्क और ऊबर आईपीओ फेल होने के बाद उठाने जा रहा है। न्यूज़ टू, लॉजिस्टिक स्टार्टअप एक्सप्रेस बी ने फ्रेश फंडिंग में 71.2 करोड़ रुपए इन्वेस्टर अलीबाबा से राइज किए हैं। फंड का यूज़ एक्सप्रेस डिलीवरी करने, एंड टू एंड लॉजिस्टिक सर्विस और टेक्नोलॉजी बिल्ड करने के लिए किया जाएगा। न्यूज़ थ्री, कुछ दिन पहले गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था कि रुपे डेबिट कार्ड से ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग चार्ज हटा देगी, लेकिन एसबीआई और एनपीसीआई ने गवर्नमेंट को लेटर लिखकर कहा कि प्रोसेसिंग चार्जेस नहीं हटनी चाहिए, इससे बैंक को रेवेन्यू में लॉस होगा। बैंक 0.6% प्रोसेसिंग फी चार्ज करती हैं। प्राइवेट बैंक वीजा या मास्टर कार्ड डेबिट कार्ड कस्टमर को इशू करेगी, रुपे डेबिट कार्ड की तरफ देखेगी भी नहीं, लेटर में लिखा था। न्यूज़ फोर, अडानी पोर्ट आंध्र प्रदेश की कंपनी कृष्णा पट्टनम पोर्ट में 75% स्टेक खरीदेगी। इस समय कंपनी की मार्केट वैल्यूएशन रेस 13,572 करोड़ है और अडानी पोर्ट की 77,755 करोड़ रुपए हैं। फाइनेंशियल ईयर 2019 में कृष्णा पट्टनम पोर्ट ने 1,350 करोड़ रुपए रेवेन्यू क्रॉस किया था और अडानी पोर्ट ने 8,897 करोड़ रुपए रेवेन्यू क्रॉस किया था। न्यूज़ 5, गवर्नमेंट ने 62 सिटीज में 2,636 ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल करने के लिए परमिशन दे दी है। महाराष्ट्र में 300, आंध्र प्रदेश में 266, तमिलनाडु में 256, गुजरात में 278 और राजस्थान में 205 और यूपी में 207 और कर्नाटक में 172 और बाकी इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टेशन और कुछ स्टेट में। न्यूज़ 6, इंडियंस ने हैप्पी न्यू ईयर पर 20 बिलियंस प्राइवेट मैसेज व्हाट्सएप पर भेजे हैं और ये ग्लोबली 100 बिलियंस मैसेज भेजे गए। न्यूज़ 7, कंट्री लार्जेस्ट लेंडर एसबीआई के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई में 5.19% स्टेक है, जिसमें से वो 50 लाख शेयर्स यानी 1.01% स्टेक बेच रही हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट में बताइए, ताकि हम वीडियो को और इम्प्रूव कर सकें। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और वीडियो देखने के लिए दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।